बांका जिले के अमरपुर वासियों को आए दिन लग रही जाम से जल्द ही निजात मिलने वाली है। उक्त बातें शुक्रवार के दिन बाईपास निरीक्षण करने आए बांका जिलाधिकारी स्वर्ष भगत ने कहा। जिला पदाधिकारी शुक्रवार के दिन अधिकारियों के साथ अमरपुर शहर में बनने वाली बाईपास स्थल का निरीक्षण किया। बता दें कि बाईपास क्षेत्र के सिहुड़ी मोड़ विदुंचक होते हुए अमरपुर साकुन मुख्य पथ पर निकलेगी, जहां से चपड़ी सुरहारी गांव होते हुए कजरेली भागलपुर मुख्य पथ पर मिल जाएगी। मौके पर जिलाधिकारी ने बताया कि बाईपास निर्माण हेतु तीव्र गति से कार्य किया जाएगा, कुछ जगहों पर जमीन अधिग्रहण का कार्य किया जाएगा। इन्होंने बताया कि ढाका मोड़ से तेलिया गांव से जेठोर नाथ पुल तक नई सड़क का निर्माण किया जाएगा। नई सड़क निर्माण होने से कम समय में पुनिसिया होते हुए अमरपुर लोग आ सकेंगे। वहीं बाईपास निर्माण होने के बाद शहर में भारी वाहनों का प्रवेश नहीं होगा एवं शहर में आए दिन लग रही जाम से काफी हद तक निजात मिल जाएगी। वहीं जिलाधिकारी भदरिया गांव स्थित चंद्र नदी के तट पर पुराने भवनों के अवशेष का निरीक्षण करने पहुंचे। इन्होंने बताया कि पटना के पुरातत्व विभाग की टीमों के द्वारा चंदन नदी के तट पर मिले पुराने भवनों के अवशेष को बारीकी से निरीक्षण कर रहे हैं। पुरातत्व विभाग के द्वारा किए जा रहे निरीक्षण के बाद यह स्पष्ट हो पाएगी। निरीक्षण के दौरान बांका SDO मनोज कुमार चौधरी, अमरपुर CO, पंचायती राज पदाधिकारी हिमांशु शेखर, अमरपुर थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार राय समेत जिला के वरीय अधिकारी उपस्थित थे। बिहार विकास समिति से एक्सपर्ट की टीम आई है स्थल पर और वो उनका मेजरमेंट और सैंपल कलेक्शन कर रहे हैं। मुझे लगता है अभी प्रिलिमिनरी जो बातें बताई जा रही हैं वो प्राचीन काल की जो अवशेष हैं वो बता रहे हैं, लेकिन डिटेल में अभी वो बताएंगे एक्सपर्ट की टीम। मेरे द्वारा कुछ भी अंदाज से बोलना उचित नहीं रहेगा। बांका जिले के अमरपुर थाना क्षेत्र के भदरिया गांव स्थित चंदन नदी तट पर मिले पुराने भवनों के अवशेष का शुक्रवार के दिन पटना से आई पुरातत्व विभाग की टीमों ने बारीकी से निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पुरातत्व विभाग की टीमों ने नदी के तट की खुदाई किया। खुदाई के दौरान 18 इंच का 52 फीट का दीवाल की ऊपरी सतह मिली, जिससे उत्सुकता पूर्वक ग्रामीणों ने देखा। मौके पर पुरातत्व विभाग की टीमों ने बताया कि प्रथम दृष्टि में इस जगह मिले अवशेष कुषाण काल का प्रतीत होता है, जो जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। फिलहाल मिले शेषों का अध्ययन किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ बांका जिला पदाधिकारी स्वर्ष भगत भी अधिकारियों की काफिले के साथ चंदन नदी तट पर पहुंचकर मिले अवशेषों का अवलोकन किया। बता दें कि छठ पर्व के दिन ग्रामीणों ने चंदन नदी के तट पर अर्घ देते समय पुराने भवनों के ऊपरी दीवाल की सतह को देखा। देखते ही देखते आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में यह बात आग की तरह फैल गई। सूचना मिलने पर बांका SDO मनोज कुमार चौधरी, SDPO दिनेश चंद्र श्रीवास्तव, अमरपुर थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार राय अधिकारियों के साथ चंदन नदी तट पर पहुंचकर जांच पड़ताल किया। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से चंदन नदी के तट पर दो चौकीदारों को भी प्रतिनियुक्त कर दिया गया। ग्रामीण की माने तो भदरिया गांव में महात्मा बुद्ध अपने हजारों शिष्यों के साथ आकर रह रहे थे। करीब 9 माह पूर्व डुमरमा हाई स्कूल के समीप स्थित पोखर से महात्मा बुद्ध की खंडित प्रतिमा भी मिला था। भगवान बुद्ध की परम शिष्य विशाखा का भी भदरिया गांव से गहरा लगाव रहा है। अब तो यह जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि चंदन नदी के तट पर मिले पुराने भवनों के अवशेष का रहस्य क्या है। फिलहाल भदरिया के ग्रामीण में हर्ष का माहौल देखा जा रहा है। गांव में भदरिया नामक स्थल में जो चंदन नदी के किनारे में जो अवशेष प्राप्त हो रहे हैं वो वर्तमान में तो ब्रिक है, ईंट के बड़ी आकार के ईंट के टुकड़े जो है मिले हैं और लगता है कि जो वो दीवार है उसका आकार दिखाई देता है और ऊपर से पानी भी बह रहा है, तो पुरानी दीवारें हैं वहाँ पर जो कि उसके अवशेष हैं और उनकी साइज को देख करके ऐसा लगता है कि वो कोई 8वीं 9वीं शताब्दी की हो सकती हैं दीवारें।